हाय फ्रेंड, दिस इज सुभान शेख। सेफ्टी फर्स्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी के बारे में आज कुछ जानकारी ले लेंगे। चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी तरह का इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट हो या कहीं भी जगह हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो हम लोग को सेफ्टी एक महत्वपूर्ण है। हमारे साथ साथ हमारा फैमिली भी अपना पे निर्भर है, तो हम लोग सेफ्टी यानी सुरक्षा को इस्तेमाल करते हुए हम लोग काम करना है, ताकि जैसा पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, इसको इस्तेमाल करने से कोई भी जगह पे, यानी देखो अभी इसमें दिखा है कि आपको कोई भी पैर चोट, यानी कोई ऊंचाई से कोई भी मटेरियल अगर गिरता हो, तो अपना माथा को भी बचाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ में कोई भी जगह पे काम करने का समय कोई भी आपातकालीन होती है तो इमीडिएट हम लोग उनको बता सकते हैं, ताकि हम लोग जैकेट पहनने से हम लोग एक आइडेंटिफिकेशन मिलता। और इस जगह पे कोई भी वेल्डिंग, गैस कटिंग यानी कोई भी फैब्रिकेशन वर्क कर रहे हो, तो उस जगह पे प्रॉपर पीपीस जैसा कि हैंड ग्लव्स हुआ है आपका, चश्मा हुआ है या एयरप्लग्स हुआ है, जो भी पीपीस है ये अपना खुद का सुरक्षा के लिए है, तो हम इसको इस्तेमाल कर दीजिए। और ऊंचाई पर काम, जब ऊंचाई पर काम कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं उस जगह का ऊंचाई का दौरान से देख के हम उसको बराबर रेलिंग यानी सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना है। और सीढ़ी को इस्तेमाल करते हुए सीढ़ी का 75 डिग्री का एंगल देखना है। अगर कई जगह पर स्लिपरी कंडीशन हो तो दूसरा आदमी का इस्तेमाल करो। और ड्राम यानी कोई भी शॉर्टकट प्लीज़ मत कीजिए। और कोई भी ऊंचाई पर काम करने के दौरान टूल्स को कोई भी रस्सा से बांध कर रखिए, यानी टूल बैग का इस्तेमाल करो, ताकि नीचे कोई भी आदमी जा रहा है तो उसका माथा पे गिरने के चांस है। वेल्डिंग करने के दौरान वेल्डिंग वुड यानी जो फेस शील्ड होता है, और उस एरिया को बराबर से बैरिकेड कीजिए, ताकि दूसरा कोई अचानक बंदा उस जगह पर ना आए। और कोई ऊंचाई पर वेल्डिंग हो रहा है तो उस जगह का नीचे में एक बोर्ड यानी जो कशन बोर्ड, वेल्डिंग एरिया बोल के, वेल्डिंग चल रहा है बोल के कशन बोर्ड रखिए। और सब कुछ वेल्डिंग का टार्च वगैरह जो कंडीशन बिना डैमेज का देखिए, और ईएलसीबी का इस्तेमाल कीजिए, ताकि कोई भी इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो इमीडिएट वो ट्रिप मारेगा। और कोई भी जलन पदार्थ हो तो उसको टर्पलिन यानी फायर ब्लैंकेट डालिए। इनके साथ अगर कोई फायर हो जाती है तो फायर होने का समय उस आसपास का जगह को हम लोग हटाना है। गैस कटिंग जब भी कर रहे हैं तो गैस कटिंग तो एक बहुत खतरनाक है, ये जैसा कि बम ब्लास्ट जैसा है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। हर दिन का चेकलिस्ट चेक करना है, और साबुन का पानी से लीकेजेस को भी चेक करने की अपना खुद की जिम्मेदारी है, तो आप इस चीज़ को भी देखिए। और NRV नॉन रिटर्न वाल्व बोल के होगा, तो वो टॉर्च साइट 2 होना है, और उससे कोई भी पैर से सिलेंडर को ना मारना है, ट्रैली का इस्तेमाल कीजिए। और टॉर्च साइट से 2 और यानी जो टार्च साइड से 2, सिलेंडर साइड 2, 4 नारी नॉन रिटर्न वाल्व यानी जो फ्लैश बैक अरेस्टर बोलते हैं, फ्लैश बैक अरेस्टर बोलते हैं, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। तो इसके साथ साथ में और सिलेंडर्स को कलर कोडिंग का बराबर हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ऑक्सीजन स्टीलिंग का इस्तेमाल कीजिए, जब भी काम बंद होने के बाद रेगुलेटर को फर्स्ट बंद कीजिए, बाद में टॉर्च का बंद कीजिए। सिगरेट बीड़ी से टॉर्च को ना जलाइए, इंडस्ट्रियल ये होगा जो टॉर्च उसका इस्तेमाल कीजिए। और कोई भी वेल्डिंग कटिंग यानी जो भी करने का समय, एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जब भी एरिया में काम करने का समय उस एरिया में हाउसकीपिंग का बराबर देखिए, कोई भी जलन पदार्थ हो तो उस जगह से हटा के काम कीजिए। और जब भी वेल्डिंग कर रहे उस जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर यानी फायर सैंड बकेट का इस्तेमाल कीजिए। और हेवी लोड को जब लिफ्टिंग कर रहे, कोई भी तरह का क्रेन क्यों ना हो, उस क्रेन को एक एक्सपीरियंस जो जानकारी वाली बंदा के साथ हम लोग करने से, यानी उसको सिग्नल मैन बोलते हैं, उसको बराबर जानकारी होता, रिगर को लेकर बराबर एंगल में करना है। ज़्यादा लोड लिफ्ट करने का समय आसपास में कोई बंदा यानी उसके नीचे कोई भी घूमना बिल्कुल मना है। सिग्नल मान का सिग्नल यानी उसका सिग्नल से क्रेन ऑपरेटर को मटेरियल को इधर उधर नीचे ऊपर करना जरूरी है। और उस एरिया को बराबर बैरिकेड कीजिए, कोई दूसरा बंदा को इस एरिया में आने की बिल्कुल मना कीजिए, ताकि उसका सर पे मटेरियल ना गिरे।
तो कोई आसपास मटेरियल का टक्कर खाने से बचने के लिए जो सिग्नल मैन का सिग्नल फॉलो किए। कोई वेल्डिंग ग्राइंडिंग करने के समय आग लग जाती है तो इमीडिएट फायर एक्सटिंग्विशर यानी फायर ब्लैंकेट से उसको आग बुझाइए। फायर एक्सटिंग्विशर ऑन एमसीबी मैनुअल कॉल पॉइंट को कभी भी बंद ना कीजिए और रास्ता को एकदम खुला रखिए। कोई भी मटेरियल से उस रास्ता को बंद मत कीजिए। अगर आग लगने से उस आसपास का जलनवान पदार्थ को निकालने से आग अगर रुकने की चांसेस है तो ज़्यादा ना होने के चांस है, इमरजेंसी में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल कीजिए, तुरंत बताइए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में एक ही एक मेन चीज़ है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स और गुड कंडीशन केबल को इस्तेमाल कीजिए, नगेट केबल को इस्तेमाल मत कीजिए ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक मारने के चांस है। केबल मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण है तो केबल मैनेजमेंट बराबर कीजिए, काम खत्म होने के बाद उसको राउंड करके अपना ट्रे में रख दीजिए। कभी भी ओपन ट्रेंच अगर हम लोग कर रहे हैं ओपन ट्रेंच की जगह पर बैरिगेट यानी उसको प्रोटेक्ट करना अपना जिम्मेदारी है। बैरिगेशन से करके कासन बोर्ड को भी लगाने का जरूरी है ताकि वह क्या पे है कि आदमी को पता करने के लिए सेफ एक्सेस। एसेंडिंग डिसेंडिंग यानी जब ऊपर ऊंचाई पे जाना है नीचे आना है तो कोई लैडर का इस्तेमाल यानी कोई स्टेयरकेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बराबर हैंडल कीजिए। सब काम खत्म होने के बाद उस एरिया को बराबर हाउसकीपिंग कर दीजिए ताकि वो कोई भी चीज़ अगर उधर इधर डालने से क्या है कि वो हाइजीनिक अच्छा नहीं होगा। रेस्टोरेंट जो कोई भी गुटखा पान बीड़ी को बिल्कुल मना है, तंबाकू को इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है और थूकना फैक्ट्री परमिशन में बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो सही नहीं सही तरीका नहीं है। तो इंडस्ट्री में अगर ये सेफ्टी नियमों को अगर हम लोग पालन करेंगे और मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए जहाँ पे पेट्रोल डीजल यानी केमिकल डेंजरस हो। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।